सबसे पहले नबी का नाम की सलाम अब आइए उस तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिलाद की महफिल सजाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अस्हाब को बुला लिया और जगह करने के बाद हदीस मुबारक के पास है अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्का अन नफ्सिहि बाद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद मुस्तफा के हवाले से अपनी पैदाइश के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसर के बाद अपना अकीदा बताया और हदीस में बात है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा था अब्दुल मुत्तलिब ने सबसे पहले आपका अकीदा सातवें रोज फरमा दिया और जिंदगी में अकीदा सिर्फ एक बार होता है इस बात पर हर एक का इजमा है इत्तेफाक है कि अकीदा जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है लेकिन पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेसर अपने यानी नबूवत के बाद अपने अकीदा किया और सहाबा के जरिए अमान खाने तक तकसीम फरमाया अगर ये जहन में जाता हो कि ये तो अकीदा है तो अकीदा तो आपके दादा ने कर दिया था दूसरा अकीदा नहीं हो सकता और अगर फर्स्ट किया अकीदा भी मान लिया जाए तो याद रखिए अकीदा हमेशा मिलाद की खुशी में होता है वफात की खुशी में अकीदा हमेशा विलादत की खुशी में होता है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीदा खुद फरमाकर बकरे सब फरमाया और सहाबा में तकसीम किया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत में मुतारा है कि अपना मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाया और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ कैसे गुजर सकते हैं।